हाय, वेलकम टू माय चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। सो इन द पार्ट टू ऑफ मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अभी तक इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज में मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका पार्ट वन अपलोड हुआ था जो मैंने कल अपलोड किया था, और मैंने मेरी कोशिश ये रहेगी कि डेली बेसिस पर एक पार्ट मैं अपलोड करूँ आपका, ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम कवर कर पाए। ठीक है, हर पार्ट का मैं सीक्वेंस आपको बता चुका हूँ कि हर पार्ट में 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन या प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन होगा। और जो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, वो वन ऑफ द 5 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये पार्ट वन मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो पहले आप पार्ट वन देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट टू। तो पार्ट टू का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पार्ट वन का जो प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन या होमवर्क क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन मैं वही उठा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। और ये चार आपके ऑप्शन है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको समझने वाली बात है कि आपको किसकी जो बात हो रही है वो एवरेज की हो रही है। और एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडल वैल्यू। ठीक है, जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज का मतलब क्या होता है? मिडल वैल्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपको एक मिडल वैल्यू गिवन है? आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको मिडल वैल्यू गिवन है। मिडल वैल्यू क्या गिवन है आपको? 49। आपको मिडल वैल्यू गिवन है, दैट इज 49। तो देखो बात कितने नंबर से हो रही है, 41। तो देखो सेंटर में आएगा आपका 21st नंबर। 21st की लेफ्ट साइड में जाओगे तो 20 नंबर तो लेफ्ट साइड में होंगे। 21st नंबर की राइट साइड में जाओगे तो ये आपका 20 नंबर राइट साइड में होंगे। तो ये जो 21st टर्म है, जो आपकी 21st टर्म है, 21st नंबर जो होगा यही आपका सेंट्रल नंबर है, और जिसकी वैल्यू एज पर क्वेश्चन कितनी है आपकी? 49। तो यहां मैं लिख देता हूं 49। अब आपको बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, इस कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो लार्जेस्ट नंबर तो वो राइट साइड में आएगा, तो यहां पर जो लास्ट नंबर होगा ये आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। अब आप ये देखो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो +2 +2 इस तरह से बढ़ेंगे। जैसे 49 के बाद +2 करोगे तो 51, 51 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा? 53। इस तरह से करते करते नेक्स्ट 20th नंबर जो होगा 49 से, यहाँ पर ये जो नंबर होगा वो आपको बताना है। तो देखो हर नंबर के बीच में डिफरेंस है 2 का, तो 20 नंबर्स हैं, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 20 × 2 = 40 का। इसका मतलब जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होना चाहिए? वो होगा आपका ये 49, और इसमें आप ऐड कर दो 40, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 89। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट टू इज, हाउ लॉन्ग विल रमेश टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ एच 50 मीटर इफ ही रन्स एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड, एच का मतलब होता है साइड, स्क्वायर पार्क की जो साइड है आपकी वो 50 मीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका स्क्वायर पार्क है जिसकी सारी साइड 50 मीटर है, तो सारी साइड आपकी कितनी है? 50 मीटर। तो सारी साइड आपने ले ली 50 मीटर। अब आपको कहा जा रहा है कि रमेश जो है इस पूरे पार्क का एक राउंड कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, अगर उसकी जो स्पीड है किस स्पीड से वो रन कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट आपकी सेम नहीं है, यहाँ मीटर है या किलोमीटर है। वी नो दैट अगर 18 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर का मतलब मीटर पर सेकेंड, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज होता है। 5/18 से क्यों किया? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसीलिए हम किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिर? मीटर पर सेकेंड में। नाउ 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करता है। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि 5 मीटर कवर करने में उसको 1 सेकंड लगता है? अब ये जो स्क्वायर पार्क है, ये जो स्क्वायर पार्क है, जब वो इसका एक राउंड कवर करेगा तो हर, देखो हर जो एज है इसकी, जो साइड ऑफ ए स्क्वायर है वो 50 मीटर है, तो टोटल एक राउंड है वो कितना होगा? वो 200 मीटर का हो जाएगा। भाई पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, अब इसको ऐसे भी समझो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, वो होता है 4 × साइड।
तो साइड आपकी 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर। इसका मतलब उसको टोटल 200 मीटर कवर करना है। अब कितने टाइम में कवर करेगा? अब 5 मीटर अगर वो 1 सेकंड में कवर करता है तो 200 मीटर कितने सेकंड में कवर करेगा? आप 200 को 5 से डिवाइड कर दो तो वो 40 सेकंड में, 40 सेकंड में जो है इस पार्क का, स्क्वायर पार्क का एक राउंड कवर करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25 इज, आपको कहा जा रहा है 10 और 25 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके एवरेज किसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या आपके खुद के टेबल में आते हैं। जैसे कि 2, 2 1 के टेबल में आता है, और 2 2 के टेबल में आता है। जैसे कि 3, 3 1 के टेबल में आता है, और 3 3 के, वो अपने अलावा सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर होता है जो आपका इवन होता है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? आपके ऑड। तो क्राइटेरिया क्या होता है? प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, और इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी सारे प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं? ऑड होते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में कि 10 और 25 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज बताना। तो 10 और 25, तो देखो 10 और 25 के बीच में जो आपके प्राइम नंबर आते हैं उसमें सबसे पहले तो आपका आता है 11। सबसे पहले क्या आता है? 11। 11 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 11 के बाद क्या आ जाएगा? 13। 13 के बाद आ जाएगा 17। 17 के बाद आ जाएगा 19, और 19 के बाद आ जाएगा 23। अब आपको इन सब ने नंबर की एवरेज बतानी। तो जहां तक एवरेज की बात है तो एवरेज का तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जितने नंबर है सबको प्लस कर दो। 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, और 5 से क्या कर दो? डिवाइड। जब इसको प्लस करोगे तो 23 19 17 13 और 11, तो 7 और 3 10 10 और 1 11 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20। और 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। 2 और 2 4 4 और 1 5, 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8, तो ये आ गया आपका 83। तो आप 83 को 5 से डिवाइड करना है। जब आप 83 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5, जब आप 83 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5, 8 - 5 कितना होगा? 3 और 3, तो 5 5 6 कितना हो जाएगा? 30। और 3 और 0, 5 6 30, तो आपका आंसर होगा 16.6। 16.6 का मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट टू इज, अ बुक सेलर बॉट 500 टेक्स्ट बुक्स फॉर ₹20,000। ठीक है, He wanted to sell them at a profit so that he got 50 books free. 50 बुक का जो प्राइस होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले इसी चीज को आप समझो कि आपको देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको गिवन है प्राइस ऑफ 500 टेक्स्ट बुक्स आपको गिवन है। प्राइस ऑफ 500 टेक्स्ट बुक्स आपको गिवन है, कितना है? ₹20,000। फिर उसका प्रॉफिट क्या है? 50 बुक्स। तो पहले 50 बुक्स का प्राइस निकालो। तो प्राइस ऑफ 50 टेक्स्ट बुक ये कितना हो जाएगा? पहले तो आप 20,000 से इस 500 को डिवाइड करो तो आपके पास एक टेक्स्ट बुक का प्राइस आ जाएगा। फिर अगर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 50 टेक्स्ट बुक का प्राइस आ जाएगा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो व्हाट आई विल हैव, देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होकर 10 आ गया। तो टोटल जो उसका प्रॉफिट होगा 50 टेक्स्ट बुक्स का, वो ₹2,000 है। अब आपको कहा गया है बट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल दम, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू 2000 अपॉन टोटल प्राइस कितना है? 20,000, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका? 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे 000 से 000 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 10%। तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा उसका? 10%। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें सिंप्लीफाई करना है। 5 × 5.2 + 3.35.7 - 5.6 ऑफ 12.6 / 4.2।
तो देखो ये बोर्ड मास, इसमें हम जो अप्लाई करते हैं बोर्ड मास का कंसेप्ट करते हैं। बोर्ड मास के कंसेप्ट में सबसे पहले क्या आता है, बी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, और ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया, जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है, पहले उसको एक चेन की तरह हम इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे हम इस वाले पार्ट को करेंगे। तो अगर मैं 12.6 से 4.2 को डिवाइड करता हूँ, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा और 42 3 जा होता है आपका 42 3 जा होता है आपका 126। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करके आपका क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप आओ 5.6 ऑफ 3। तो अब आपको क्या करना है, 5.6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 जा क्या हो जाएगा, 18। 5 3 जा 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो गया 16.8। तो ये आ गया, इतना पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। अब आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 16.8। अब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 16.8 16.8। अब 35.7 से आप ये वैल्यू माइनस करोगे जो आपकी आई है 16.8। तो 35.7 से आपने माइनस कर दिया 16.8, तो 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 9। और 14 माइनस यहाँ आ जाएगा 4। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, 8। और 2 माइनस 1 ये आ गया 18.9। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू अब आ गई 18.9। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 18.9। फिर आप 5.2 में आप 18.9 को ऐड कर दोगे। तो जैसे ही आप 5.2 प्लस करते हो 18.9, तो डेसिमल से पहले आएगा 18 और डेसिमल के बाद आएगा 9। तो 9 प्लस 2 क्या होगा, 11। 8 और 6 क्या होगा, 14। ये आ जाएगा 24.1 24.1। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, यहां से लेके यहां तक सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आपकी आ रही है 24.1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट ये आपने सॉल्व किया, जो वैल्यू आई आपने उसको 5.6 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई उस वैल्यू को आपने 35.7 से माइनस किया। ये सब करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई थी उसको आपने जब 5.2 में ऐड किया तो आपका जो आंसर आ गया वो 24.1। अब क्या करना, अब ये वाला पार्ट रह गया, ये पूरा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब 24.1 से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12। और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 120.5 आपका आंसर आ जाएगा, 120.5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यहाँ के पार्ट टू के आपके 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। अब आप बारी आती है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन आज की क्लास का वो ये है, होमवर्क क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन है, ये इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। बोर्ड मास सिंप्लीफाई करना है आपको, 372 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2। तो बोर्ड मास का जो कंसेप्ट है उस पर ये आपका बेस क्वेश्चन है आपका, इसको आपने अप्लाई करना है। और ये आपकी 4 ऑप्शंस है, तो जो भी आपका आंसर आता है चैट बॉक्स में आप शेयर करोगे, आप मुझे शेयर कर देना। और फिर नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पार्ट 3 है उसमें 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का एनालिसिस जो होगा वो इसी क्वेश्चन का होगा। तो दिस इज फॉर टूडेज क्लास। टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माई क्लासेस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। थैंक यू।